सब्सक्राइब कीजिए technicalmickey.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट GSM वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू technicalmickey.com यूट्यूब चैनल और technicalmickey.com वेबसाइट की जानिब से मैं हूं मोहम्मद उकास कमर। आप देख रहे हैं technicalmickey.com यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सब लोगों को वेलकम कहता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं R3 टूल के बारे में, जो कि लेटेस्ट वर्जन आया है R3 टूल का, वर्जन 4.0, जो कि यानी कि क्रिएटेड किया गया है ये टूल इजी फर्मवेयर टीम की जानिब से, जिसका यानी कि आई थिंक आपने सुना होगा EFT डोंगल, जिसका नाम है यानी कि EFT डोंगल। तो इसी कंपनी का जो पूरा नाम है वो है इजी फर्मवेयर टूल, मैं आपको बता देता हूँ, ये देख सकते हैं इजी फर्मवेयर टीम। तो इसी कंपनी ने जो है वो एक और टूल बनाया है जिसका नाम है R3 टूल। तो ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, इसके लिए जो है वो आपको कोई डोंगल वगैरह कोई बाय करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो है वो इस टूल को विदाउट डोंगल के और फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो, जो कि इजी फर्मवेयर टीम ने खुद कहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को इस टूल के बारे में भी बताया जाए कि इसको कैसे हमने यूज़ करना है और इसमें क्या क्या फीचर्स है जिनको हम यूज़ करते हुए अपने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल technicalmickey.com सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें, इससे आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपके ईमेल पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमने R3 टूल की क्रैक को डाउनलोड कैसे करना है। तो डाउनलोड का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, आप देख लें, सेम टू सेम ये जो लिंक है, आपको यही लिंक जो है वो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो की। आपने जो है इस लिंक पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे, आप एक वेबसाइट ओपन होगी आपके पास एडफ्लाई की। 5 सेकंड के बाद आपने स्किप एड पर क्लिक करना है और जैसे ही आप स्किप एड पर क्लिक करोगे, आपके पास मेरे वेबसाइट का एक डायरेक्टली पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आपने R3 टूल जो है वो डाउनलोड करना है। आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह पढ़ सकते हैं कम्प्लीटली डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो कम्प्लीटली तौर पर रीड कर लें, आपको पता चल जाएगा कि इसकी इस टूल के यानी कि कैसा लेसेंस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या क्रैक में है। तो आपको ये टोटली जो है वो इधर इंग्लिश आर्टिकल में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आप इसके फीचर्स वगैरह भी जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड लिंक और यहाँ क्लिक हेयर पर आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पर क्लिक करोगे, आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ से आपके पास दो डाउनलोड के बटन और आपको पासवर्ड के नीचे दो लिंक्स नजर आ रहे होंगे, एक मिरर वन और एक मिरर, जिधर से आपने डाउनलोड करना चाहते हो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। दोनों को जो है बिल्कुल सिंपल मेथड है। तो जब आपने डाउनलोड कर लेना है ये टूल, तो आपके पास कुछ इस फाइल में आएगा। आपने सबसे पहले अपने एंटीवायरस को जो है वो डिसेबल कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा अपने PC में। इस टूल को यूज करें तो आपके PC में जो है वो क्रैक कुछ भी नहीं करेगी। तो ये देखें, मैं जो है वो इसकी रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑफ कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, फिनिश। तो ये देखें, सेव कर दिया मैंने और उसके बाद जो है वो इस फाइल को मैंने ओपन करना है सबसे पहले आपने, और उसके बाद इसका पासवर्ड जो है वो कॉपी कर लें। पासवर्ड कॉपी करने के बाद आपके पास ये देख सकते हैं R3 टूल्स की जो है एक एग्जिट फाइल होगी। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पासवर्ड वो पेस्ट कर दें और उसके बाद ओके और उसके बाद यस करें। तो ये देखें, जैसे ही हमने यस किया, हमारे पास जो है वो R3 टूल की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आपने सिर्फ ओके करना है और आपके पास जो है वो R3 टूल इंस्टॉल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। ये देख सकते हैं आपके पास R3 टूल आ चुका है। और उसके बाद आपने लाइब्रेरी यूज इनकरेक्टली, आपने इस पर ओके करना है और ये देखें आपके पास जो है वो R3 टूल वर्जन 4.0 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए रिमूव FRP में जाएं, तो आप जो है वो माइक्रोमैक्स की FRP रिमूव कर सकते हो, लिनोवो की, शाओमी की, मोटरोला की, योफेरिया की, सैमसंग की और डीप मोबाइल, HTC और अदर जो होते हैं यानी कि एंड्रॉयड मोबाइल, आप उनके भी FRP सिंपल इस सॉफ्टवेयर से बाईपास कर सकते हो। कोई आपको जो है वो अलग यानी कि सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और HTC की अगर बात की जाए, तो आप HTC में भी जो है वो देख सकते हैं, अपनी डिवाइस ADB से कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद इन्फो वगैरह रीड कर सकते हैं फास्ट बूट मोड में, और यहाँ से जिप फाइल फ्लशिंग कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, रिबूट बूट लोडर को कर सकते हैं और भी ये देख सकते हैं सुपर और राइट वगैरह जो आप कर सकते हैं इससे। यहाँ तक कि आप अपने बूट लोडर को जो है वो इससे रिलॉक भी कर सकते हैं HTC मोबाइल में। टूल में अगर बात की जाए, तो टूल में आप क्या कर सकते हैं, फ्लशिंग वगैरह कर सकते हैं और ईमी रिपेयरिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। रिपेयर ईमी में आके आप किसी भी यानी कि देखें MTK मोबाइल की, SPD मोबाइल की, ऑल विनर और यहाँ तक के रॉक चिप की भी आप ईमी वगैरह जो है वो रिपेयर
कर सकते हैं। उसके बाद सैमसंग की अगर बात की जाए तो आप सैमसंग में भी जो है वो फ्लैशिंग वगैरह कर सकते हैं, फ्लैशिंग को लॉक लगा सकते हैं, EFS को क्लियर कर सकते हैं अपना, और पार्टीशन वगैरह जो है वो इसकी रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड्रॉयड का भी एक ऑप्शन होता है, देखें एंड्रॉयड आप जैसे ही एंड्रॉयड की टैब में आएंगे तो यहाँ वाइप डेटा वगैरह इंस्टॉल, APK और मल्टी इंस्टॉलेशन, Gmail रीसेट और यहाँ तक के रीड अकाउंट वगैरह भी आप अपना रीड वगैरह इससे कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल technicalmickey.com सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली बेसिस पर इसी तरह की GSM से रिलेटेड वो वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। और technicalmickey.com वेबसाइट को भी विजिट करते रहिएगा, क्योंकि इधर भी जो है मैं टूल्स वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, ड्राइवर्स जो होते हैं और यानी कि FRP की स्कैटर फाइल जो होती हैं, FRP बाईपास करने के लिए अनलॉकिंग टूल्स जो होते हैं, और भी यानी कि बहुत कुछ मैं इधर अपलोड करता रहता हूँ। यहाँ तक कि ओरिजिनल टूल्स वगैरह जो होते हैं वो भी मैं अपलोड करता रहता हूँ। आप इस वेबसाइट को भी जो है विजिट करते रहिएगा। और मेरा एक चैनल है जिसका नाम है सॉफ्ट मीडिया टेक्नोलॉजी, आप उस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उधर भी जो है वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। ये देख सकते हैं आपको इस लिंक जो है इस चैनल का बिल्कुल मेरे इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।